कल आपने छापेमारी कार्यक्रम जारी किया है सर, क्या मामला था, क्या मामला है? ये इनकम टैक्स की रेगुलर एक सर्च सर्वे का एक वो होता है, इनकम टैक्स एक्ट 133A में हम लोगों को ये पावर होता है कि यदि हमको कुछ शक है कि टैक्स चोरी हो रही है या किसी तरह का कोई काम हो रहा है जिसमें कि ये अपनी इनकम शॉर्ट दिखा रहे हैं या किसी तरह का कुछ हमको शक होता है, तो हम उसको सर्वे या सर्च में उसको करते हैं कार्रवाई। सर कितनी फर्मों पर छापा मारा गया है? दोनों भाइयों का मिला के 6 फर्में थी जी। 6 फर्मों में 2 फर्में तो सुधीर कुमार अग्रवाल की हैं, बालाजी इंटीरियर्स और बालाजी मोटर्स। तो सर अभी कोई कार्रवाई हुई है अभी तक या नहीं? कार्रवाई तो कल हो चुकी। सर कितने घोटाला देखा जा रहा है? कितने घोटाला तो अभी नहीं निकल के आया है, कार्रवाई चल रही है, सबके कागज वागज हम लोग उठा लाए हैं, सील कर लाए हैं और उनके कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क भी हम लोग क्लोनिंग कर लाए हैं, और उस क्लोनिंग में जब हम उसको निकालेंगे, उसकी प्रिंट आउट लेंगे, तो इसके जो हमारे पास इनके रिकॉर्ड हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो उनसे जब मिलान मिलाएंगे तो इनका ओरिजिनल और वो घपलाबाजी सब सामने आएगी। ये हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि है। सर क्या लगता है जो आप छापेमारी की बात किया है, इनके संस्थान की सील कर दिए गए हैं या चालू है? नहीं नहीं, प्रतिष्ठान को हम लोग सील नहीं कर सकते, वो किसी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि रोजगार तो बंद नहीं होना चाहिए, रोजगार बंद हो जाएगा टैक्स कहाँ से आएगा, तो रोजगार तो चलेगा उनका बराबर, आज से शायद कंटिन्यूस चल रहा होगा। हम लोग रात में 3-2:30 बजे के लगभग कंक्लूड किए थे उनका सर्वे जी। और इनका जुगल किशोर के 2 लड़के